अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। अल्लाह पाक आपको खैर व अमानत से रखे। तो बच्चों, आज का हमारा मौजू जो है वो है गौतम बुद्ध, जो कल जिसके हमने सवालात व जवाबात किए, आज उसी का आगे हमने कंटिन्यू करने हैं वही एक्सरसाइज। आप अपनी किताब का पेज नंबर 89 निकालें। यहाँ पर हमने करना है पार्ट नंबर 3। कालम अलफ को कालम बे के साथ मुनासिब तरीके से जोड़िए। पेज नंबर 89 पर देखें बच्चों, बुक्स अपने सामने रखें। यहाँ पर मैंने लिखा है सवाल नंबर 3, कालम अलफ को कालम बे के साथ मुनासिब तरीके से जोड़िए। यहाँ पर अलफ कालम जो है ये है और बे ये है, तो इसको इसके साथ हमने क्या करना है, जोड़ना है, मिलाना है। इनको कैसे मिलाना है, ये है ये टेबल बना हुआ, ठीक है, ये वाला। अब इनको जोड़ना है, तो अब हमने कैसे करना है। यहाँ पर पहले लिखा है गौतम बुद्ध, कपिल वस्तु, योग, चार आला सच्चाइयां, रास्त फिक्र। सबसे पहले गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध क्या थे? बुद्ध मत के बानी, ये यहाँ आ जाएगा, बुद्ध मत के बानी। उसके बाद कपिल वस्तु जो है, कपिल वस्तु क्या है? शाबाश, कपिल वस्तु शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर का नाम है। यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे। उसके बाद योग। योग किसको बोलते हैं बच्चों? योग होगी मजहबी वर्जिश, ठीक है। चार आला सच्चाइयां कौन कौन सी हैं? चार आला सच्चाइयां जो हैं वो है बुद्ध मत की बुनियादी तालीमात। बुद्ध मत की बुनियादी तालीमात क्या है? चार आला सच्चाइयां, इसको इसके साथ हम मैच करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। रास्ता तफक्कर हो गया, आठ रास्तों में से एक, इसको इसके साथ हम मिलाएंगे। ये हो गया आपका सवाल नंबर 3, इसको इस तरह से जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है। या आप इस तरह भी लिख सकते हो, गौतम बुद्ध आगे इसको इस यहाँ पे लिखेंगे, बुद्ध मत का बानी, इस तरह भी तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आप जोड़ भी सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। अब है सवाल नंबर 4, खाली जगह भर लीजिए, खाली जगहों को पूर कीजिए। तो पहला है, अगर बुनियाद दुरुस्त है तो डैश डैश दुरुस्त होगी। अगर बुनियाद दुरुस्त है तो डैश डैश दुरुस्त होगी, तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स में, ये बनना है, अगर बुनियाद दुरुस्त है तो जिंदगी दुरुस्त होगी। अगर